हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपके अपने शो जिसका नाम है सीधी बात प्रभु जी के साथ। तो जी हाँ, हर हफ्ते हम एक दिलचस्प सा प्रश्न लेके, एक बड़ा बेहतरीन प्रश्न लेके, वो ऐसा प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके हृदय में, आपके कानों में, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा और वो आपका प्रश्न भी बन गया होगा, ऐसा प्रश्न लेके हम हाजिर हो जाते हैं प्रभु जी से उत्तर जानने के लिए। तो ऐसा ही एक प्रश्न आज हम प्रभु जी से पूछेंगे, हमारे प्यारे सनातन धर्म प्रभु। सनातन धर्म प्रभु, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आपको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ नए भक्त हमारे साथ जुड़े हों, तो मैं दो क्षण लूंगा आपका परिचय बताने के लिए। तो हमारे सनातन धर्म प्रभु NIT से इंजीनियर हैं, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है मटेरियल वर्ल्ड में। उसके बाद भारत के अपने टाटा मोटर्स में मैनेजर के रूप में कार्यरत थे, फिर इन्होंने संसार की जिम्मेदारी उठा ली, केवल एक कंपनी की नहीं, बहुत से लोगों को सही मार्ग पे ले जाने के लिए ये कार्यरत हो गए और आ गए ब्रह्मचारी वेश में बहुत सारे हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन करने। प्रभु जी, आज ऐसा ही एक प्रश्न लेके हम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रश्न बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बचपन से सुना है, प्रश्न बड़ा दिलचस्प है क्योंकि उत्तर कहीं से नहीं मिला है, और मिला है तो बड़ा पता नहीं प्रमाणिक है या प्रमाणिक नहीं है, पता नहीं सच है या पता नहीं सच नहीं है। तो हमने सोचा आपसे ज्यादा प्रमाणिक कोई क्या बताएगा, हमने इसलिए प्रश्न आपके लिए सोचा। ये प्रश्न है कि एकादशी क्या है और पाप मोचनी एकादशी क्या है और इसकी कथा क्या है, और ऐसे बहुत सारे और प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, आपने हमारे आग्रह पे अपना कीमती समय देना स्वीकार किया, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम दोस्तों। जी हाँ, तो पहले आपने शुरुआत की, लेट्स गो वन एट अ टाइम। तो एक से शुरुआत करते हैं कि एकादशी क्या है। नॉर्मली संस्कृत में दिस वर्ड एकादशी, दशी मतलब दस, एकादशी मतलब दस प्लस वन, यानी कि टेन प्लस वन यानी कि इलेवन। तो एकादशी मतलब एकादश इज इलेवन। एकादशी जब बोलते हैं, हम संबोधित करते हैं एकादशी, तो वो ग्यारहवा दिन। किसका ग्यारहवा दिन? पूर्णिमा के बाद ग्यारहवा दिन, ग्यारह दिन, और अमावस्या के बाद ग्यारह दिन। सो एक महीने में दो पक्ष होते हैं, राइट? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ऐसे दो पक्ष होते हैं, जिसको हम वैक्सिंग और वैनिंग बोलते हैं, बराबर। तो ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो जो पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा के बाद वाला ग्यारहवा दिन और जो अमावस्या के बाद वाला ग्यारहवा दिन, इसको कहते हैं एकादशी का दिन, ठीक है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एकादशी, ठीक है? तो पहले हम लोग इसके बारे में, एकादशी महत्व के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। हमारे जो दर्शक पहली बार एकादशी के बारे में सुन रहे हैं हमसे, तो आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग हमारे सीधी बात के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पे एकादशी का महत्व और विस्तार से जान सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक हिंट देने वाला हूँ, सूत्र रूप में, संक्षिप्त रूप में मैं बताने वाला हूँ कि एकादशी क्या होता है। तो एक बार क्या हुआ था, मुरो बोल के एक बहुत ही प्रचंड शक्तियों वाला राक्षस था, और इसका वध करने के लिए सारे देवताओं ने जो है भगवान श्री कृष्ण के पास अनुरोध किया था कि इसका उद्धार कर दीजिए, आप हमारा उद्धार कीजिए, है ना, बहुत हम इससे त्रस्त ग्रस्त हैं, ये बहुत ही हमें तंग कर रहा है। तो सारे देवतागण के निवेदन पर जो है भगवान श्री कृष्ण इससे लड़ने के लिए गए। तो ये जो राक्षस था, असुर, बहुत शक्तिशाली था और भगवान से बहुत, इन्होंने कई दिनों तक युद्ध किया। उसके बाद भगवान जो है थोड़ा थकने का नाटक किए और जा करके भगवान सो गए। तो ये असुर ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि वह कृष्ण को समाप्त कर देते हैं। तभी कृष्ण के शरीर से एक देवी निकलती है और वो देवी इसका वध कर देती है, यस। और ये देवी वध करने के बाद जो है उधर ही खड़े रह करके भगवान की प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान कब उठेंगे, और जैसे ही भगवान उठ जाते हैं, वो भगवान उठते हैं और फिर पूछते, देवी आप कौन है और ये राक्षस को किसने वध किया? देवी बताती है कि इस राक्षस का वध हमने किया है, मैंने किया है,
और मैं आप ही की शक्ति हूँ एकादशी देवी। तो एकादशी का देवी के से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोला कि एकादशी की जो तिथि होगी वो होगी भक्ति जननी, यस, यानी कि भक्ति बढ़ाने वाली, भक्ति की द मदर ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति जननी होगी। और जो भी एकादशी व्रत परिपूर्ण पूरी करेगा, पूरी तरीके से पालन करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है उसको बहुत भक्ति में लाभ मिलेगा। ऐसा क्या संदर्भ आता है जहाँ पे क्या होता है कि भगवान गुजर रहे होते हैं नरक लोक से, और नरक लोगों की यातना सुन करके, लोगों की यातना सुन करके भगवान बहुत उनके मन में करुणा भाव जागृत हो जाती है। तो यमराज चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि जो जो एकादशी का व्रत पालन करते हैं उनके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, और जो एकादशी के दिन जो है चावल धान्य इत्यादि खाएंगे, ग्रीन्स, तो जितना भी पाप है वो सारा पाप राज उस धान्य और अन्न में रहेगा, और जो खाएगा उसको पाप लगेगा। ऐसे करके भगवान बोल के जो है एकादशी महात्म्य जो है हम सुनते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में बताया मैंने एकादशी महात्म्य के बारे में। तो ये एकादशी देवी जो है ये साक्षात एकादशी की स्वरूपिणी, और जो भी एकादशी व्रत पालन करता है उसको ये लाभ मिलता है। और आपको एक बात बता दूं कि श्रीमती राधा रानी स्वयं एकादशी व्रत पालन करती है। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है, तो बहुत खूबसूरत आपने बड़े कम शब्दों में पूरी कथा बता दी एकादशी की। तो प्रभु जी, एकादशी के तो बहुत सारे आपने प्रोसेस बताया, लेकिन ये पाप मोचनी एकादशी क्या है? क्या एकादशी भी बहुत तरीके की होती है? तो अगर होती भी है तो ये पाप मोचनी एकादशी क्या है, मतलब इसको भी थोड़ा सा अगर आप बताएं। डेफिनेटली, देखिए हमारे पास 12 महीने होते हैं जी जी, और हर महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जी, यस यस। तो इस तरीके से देखा जाए तो 24 एकादशियां है, प्लस जब अधिक मास आता है तो अधिक मास में भी दो एकादशी होती है, तो कुल मिला के 26 एकादशी का वर्णन जो है ये पद्म पुराण में किया गया है। और खास करके ये एकादशी के बारे में चर्चा जो है ये युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण के बीच में संवाद होता है। तो युधिष्ठिर महाराज अलग अलग प्रकार से प्रश्न करते हैं कि, और उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं। तो जो चैत्र मास अभी जो चल रहा है उसकी कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको कहते हैं हम लोग पाप मोचनी एकादशी। ओ, चैत्र मास, चैत्र मास जो भी चल रहा है उसका कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी जी। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है इसको हम कहते हैं पाप मोचन मोचनी, ठीक है, पाप मोचनी एकादशी। तो पाप मोचनी ये नाम कहां से आया इस एकादशी का? बिल्कुल, युधिष्ठिर महाराज बोलिए, सच बोल रहे थे आप, ये प्रश्न था कि पाप मोचनी क्या हुआ, कैसे हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कैसे बनी? तो भगवान श्री कृष्ण बताता है ये कथा जो है इसको लोमस ऋषि, अब ये लोमस ऋषि बहुत प्रसिद्ध ऋषि है, ये बहुत सीनियर डिवोटी, एक बार इनका थोड़ा बैकग्राउंड देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ब्रह्मा जी को थोड़ा गर्व हो गया, मैं सबसे बड़ा सीनियर डिवोटी हूँ इस ब्रह्मांड में। तो नारद जी वार्तालाप कर रहे थे, नारद जी को पता लग गया, अरे ब्रह्मा जी को थोड़ा घमंड हो गया कि मैं सीनियर डिवोटी हूँ। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूँ, मैं तो ट्रैवलिंग प्रीचर हूँ, ट्रैवलिंग प्रीचिंग के दौरान जो है बहुत ही मस्त लोगों से मिलता हूँ, बहुत जो मजेदार लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे आपको किसी से भेंट करानी है, तो आप चलेंगे मेरे साथ? ब्रह्मा जी बोलते ठीक है चलते हैं। अब नारद मुनि बोले ऐसे नहीं चलने का, थोड़ा वेशभूषा, तीन सिर थोड़ा ढक के वेशभूषा बदल के चलते हैं। ब्रह्मा जी बोले चलो चलते हैं। तो नारद मुनि उनको जो है कुटीर के पास लेके जाते हैं, उस कुटीर में कोई बैठ करके तीव्रता से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत ही इंटेंसली तीव्रता के साथ जप कर रहा था। तो नारद मुनि बोले आइए चलो इनसे थोड़ा बातचीत करते, इनका थोड़ा एसोसिएशन लेते हैं। ब्रह्मा जी सोचा एसोसिएशन, सबसे सीनियर डिवोटी तो मैं ही, ठीक है एनीवेज कोई बात नहीं, नारद बोल रहा है इसलिए चलते हैं। तो गए और वहां पे जो है बैठे ऋषि को देखा, एक ऋषि जो है मुनि जप कर रहे थे, उनके पूरा जो है पूरा शरीर बाल 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 बाल, पूरे शरीर में बाल थे, बाप रे, मतलब भालू का जैसा शरीर होता ना पूरा बाल वाला, वैसे बाल वाला शरीर था उनका। तो ब्रह्मा जी बोले कैसे ऋषि है, हु इज दिस गाय, अजीब है ना, पूरा बाल है हर जगह, इमेजिन अ पर्सन विद ऑल हेयर एवरीवेयर,
अभी आजकल के स्टाइल में लोग जो है दाढ़ी रखना पसंद करते हैं, पीपल आर विद दैट. वैष्णव इज अ क्लीन शेवन, ब्रह्मचारी इज अ फुल्ली शेवन. देखा जाए तो लोगों को दाढ़ी रखना बहुत पसंद है, अलग अलग प्रकार के फ्रेंच बियर्ड वगैरह रखते हैं लोग, राइट जी. तो फिर देखा जाए तो इसको पूरा बालते हैं, कौन है? बोले उसी से पूछते हैं. नाम मैंने बोले मुनिवर प्रणाम, आपका परिचय दीजिए. बोला मैं लोमस ऋषि हूँ. और बोला कि आप इतना इंटेंस जप क्यों कर रहे हैं, मतलब इंटेंस एकदम तीव्रता पूर्वक जप कर रहे हैं, क्यों, क्या हो गया? तो बताते कि जीवन जो है एक क्षण भंगुर होता है, एक क्षण में जीवन समाप्त हो जाता है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, है ना, तो इसलिए तीव्रता से जप करना चाहिए ताकि हम भगवत धाम जाए. तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है चलते, टाइम हो रहा है. नारद मुनि रुको, बाकी मेन पिक्चर. बोलते हैं उनको, ऋषि को बताइए आपका लाइफ कितना है. तो नारद मुनि को पूछते हो आप जानते हैं कि सबसे ऊंचा लोक इस ब्रह्मांड में किनका है? बोला सत्यलोक. और सत्यलोक की कौन विद्यमान है? ब्रह्मा. ब्रह्मा बोल रहे हाँ यस मैं, इट्स मी, यस मैं विद्यमान हूँ. तो ब्रह्मा का आयुष पता है कितना है? बोला ब्रह्मा का जीवन तो उनके 100 साल के बराबर होता है, यानी कि 311 trillion ईयर्स. इतना मतलब ब्रह्मांड का जितना आयु होता है उतना ब्रह्मा का आयु होता है. उन्होंने कहा वेरी गुड वत्स, तुम बहुत ज्ञानी हो. तो जब इस प्रकार से एक ब्रह्मा मरता है तब मेरा एक बाल गिरता है. वाह. जब मेरे सारे शरीर के बाल चले जाएंगे तब मैं मर जाऊंगा. ओ माय गॉड, लोमस ऋषि. ब्रह्मा जी इज जॉ ड्रॉप्ड. वो तो शॉक हो गए, भाई कौन बात कर रहे हैं, हु इज दिस? ब्रह्मा जी एकदम हम्बल हो गए तुरंत. वो प्रणाम किया, अभी दिल से प्रणाम किए. पहले बार तो ऑफिशियली औपचारिक रूप से किए थे, अभी दिल से प्रणाम किए. और बोले थे चलो चलते नारद, थोड़ा हम भी साधना करते हैं. नारद बोले रुको, एक और व्यक्ति से मिलाने अभी और क्या बाकी है. नहीं नहीं चलिए आप, चलिए. तो ऐसे करके एक दूसरे मुनि के पास देखे गए नारद मुनि को. ब्रह्मा जी बोले वेरी गुड पीआर, आपका पीआर स्किल्स बहुत, पब्लिक रिलेशनशिप्स. बोला मैं भी मुनि, ये भी सब मुनि, तो अच्छा हमारा एसोसिएशन भी है, वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप. तो ये मुनि जो थे बिल्कुल अजीब, ये भी अजीब दिख रहे थे, उनको देख के हंसी आ जाती है. यस, इनका जो शरीर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 जगह पे जो है पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा था शरीर. तो इनसे जाके पूछा, और वो ऋषि भी जो है, वो मुनि भी बहुत तीव्रता से जप कर रहे थे. इनसे भी वही प्रश्न किया, आप तीव्रता से बच करें. उन्हें बोला लाइफ इज शॉर्ट बेटा, इसलिए जप करना चाहिए. ठीक है, हाउ शॉर्ट, लेट्स फाइंड आउट. बोला आपका नाम? बोला मेरा नाम अष्टावक्र. अष्टावक्र मुनि की जय हो. बोलिए आपका लाइफ कितना है? तो बोला कि जब एक लोमस ऋषि मरता है तब मेरा शरीर का एक भाग ठीक हो जाता है, सीधा हो जाता है. और मेरा पूरा शरीर जब सीधा हो जाएगा तब मैं मर जाऊंगा. ब्रह्मा जी उधर चक्कर खा के गिर जाते हैं भाई. अब बोलते नारद और नो मोर, तभी वापिस चलते हैं प्लीज. कैसे जो है ये लोमस ऋषि है. तो ये मानदाता राजा, ये सूर्यवंश में जो मानदाता राजा आते हैं जिनके 50 पुत्रियों से शौबरी मुनि ने विवाह किया था, ये मानदाता राजा अंबरीश महाराज के पूर्वज भी है ये जी. तो मानदाता राजा से जो है ये कथा बोलते हैं. तो मानदाता राजा ने भी वही प्रश्न किया था कि ये जो चैत्र मास की कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी क्यों पड़ा? तो बताते हैं ये बहुत सालों पहले की बात है, अभी पुराना सा वेरी ओल्ड. कितना ओल्ड हम बता नहीं सकते, 5000 10000 50000 5 लाख 50 लाख, नो, इट्स वेरी ओल्ड. बहुत प्राचीन होते हैं, जिनको टाइम भी नहीं बोल सकते, कब कौन से टाइम पे हुआ था वो भी नहीं बता सकते, इसलिए उनका नाम पुराना है. यस वेरी ओल्ड, बहुत प्राचीन काल की बात है. तो कुछ गंधर्व, चित्ररथ बोल के गंधर्व था, ये चित्ररथ गंधर्व कुछ अप्सराओं के साथ जो है वो टहल रहे थे. कुछ गंधर्व थे, कुछ अप्सरा थे, और कुछ किन्नर भी थे. सब लोग मिलके इधर उधर घूम रहे थे. दे वर लुकिंग फॉर अ वेरी नाइस प्लेस टू स्पॉट, यानी कि जल क्रीड़ा करने के लिए, वन भ्रमण करने के लिए, और अच्छा एक वातावरण ढूंढ रहे थे. तो जाकर बगीचे में गए, और उस बगीचे में जाने के बाद जो है वो उधर वो गए, और उनका उन्होंने बोला कि पूरे संसार में इतना सुंदर बगीचा कहीं नहीं है. तो वहां पे वो लोग जल क्रीड़ा करने लग गए, खेल कूद करने लग गए, अपना स्पॉटिंग करने लग गए.
और पास में ही च्यवन मुनि बोल के एक महान मुनि है, उनका आश्रम था च्यवन मुनि का आश्रम। सुकन्या के पति च्यवन मुनि, ये नवे स्कंद में भी उनका उल्लेख होता है च्यवन मुनि। तो च्यवन मुनि के आश्रम भी पास में था और वहाँ पे मेधावी बोल के एक बहुत प्रसिद्ध मुनि थे जो अपनी कड़क साधना के लिए जाने जाते थे। तो वे बैठ के अपना साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो फिर क्या हो गया, उनमें से एक अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोषा। तो ये मंजू घोषा अप्सरा जो है उनको थोड़ा एक तरीके से क्या करने लग गया, उनको जो ऋषि मुनि लोगों के साथ जाके छेड़छाड़ी करना अच्छा लगता है। अभी जब सौंदर्य जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर ये दमान मद अपमान, तो जन्म किसी का उच्च कुल का जन्म है, किसी का बहुत ज्यादा विद्या है शिक्षा है, श्रुत श्री इस ब्यूटी somebody has, और ऐश्वर्य धनवान है कोई, तो वो व्यक्ति जो है बहुत मद में अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है। तो ये अप्सरा अपने ब्यूटी, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अ ब्यूटी, एंड ये मेधावी इज ऑल्सो यंग ब्रह्मचारी, मतलब एक यंग सन्यासी बोलते हैं, ही वाज आल्सो वेरी हैंडसम गुड लुकिंग। थोड़ा इनको छेड़ते हैं, इनको एंटाइज करते हैं, तभी मंजू घोषा की सुगंध, मंजू घोषा के हाव भाव ये सब देख करके मदन खुद जो है चक्कर खा गया। और उसने क्या बोला कि ये अवसर है, देखिए मदन बहुत परीक्षा लेते हैं, जो वैरागी होते हैं उनकी बहुत परीक्षा लेते हैं, और एक्चुअली मेधावी के तेज को देख करके उनकी पर्सनालिटी उनके व्यक्तित्व को देख के जो है मंजू घोषा भी काफी प्रभावित हो गए, शी इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड। तो कामदेव ने क्या किया, ठीक है उसके जो सुंदर ब्रुकुटिया थे आईब्रोज उसको धनुष बना करके, क्योंकि पहले फेल हो चुका है, ट्राई किया था इसको मेधावी को, मेरे पांचों वाण फेल, इतना बड़ा तपस्वी अभी कुछ और ट्राई करते हैं। तो इसको धनुष जो मंजू घोषा के ब्रुकुटी को धनुष बनाते हुए और उनकी नजरों को तीर बना करके, क्या बात, नजरों को की जो नजर है उसको तीर बना करके करके एरो भेजा और वो यूं जाके लगा मेधावी को, मेधावी ने आपने और वो भी जो है पूरी तरह मोहित हो गया, किस पे, मंजू घोषा पे, और मंजू घोषा थोड़ी देर उनके साथ जो है खिलवाड़ की खेल कूद सब किया, इसके बाद बोला चलो अभी मैं चलती हूँ अली। और फिर उसके बाद ये बोलने लगे नहीं गिर गिरा, नहीं आप नहीं जाइए प्लीज, मुझे आप चाहिए, आपके बिना कैसे रहूं, प्लीज थोड़ा और मत जाइए, ऐसे करके वो रोक दिया। और वो बार बार बोलती थी नहीं अभी मुझे चलना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं मुझे जाना चाहिए, नहीं नहीं आप चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे करके उनको बार 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 जो है वो रुक रहे थे। और फिर कुछ समय बीत गया, उसके बाद मेधावी बोले मंजू घोषा को, देखिए देवी अब मैं थोड़ी अपनी साधना, थोड़ा टाइम हमने खेला एक दूसरे के साथ, वी हैड गुड स्पॉट टुगेदर, वी हैड गुड कनेक्शन टुगेदर, अभी जाके मैं अपनी साधना कंटिन्यू करना चाहता हूँ। बोला थोड़ी देर वो हंसने लग गई और मेधावी सोचने लगे मंजू घोषा क्यों हंस रही है, वो इतनी हंसी बोला आप थोड़ी देर बता रहे हो, कुल मिला करके 57 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन हो गए हैं आज मेरे कैलेंडर, आई हैव कैलेंडर, इतना टाइम हो गया है हम दोनों साथ में हैं। मेधावी बोला ये तो मेरे को एक क्षण की तरह लगा, मूर्ख कैसे व्यक्ति हो तुम। फिर मेधावी ने चेक किया, ही वेरीफाइड हिज सोर्सेस, एक्चुअली उन्होंने भी कैलेंडर डाउनलोड करके रखा था, उन्होंने ऐप चेक किया, बोला एक्चुअली यस 57 ईयर्स 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन मैंने अपनी साधना नहीं की है। वो बहुत क्रोधित हो गए, बोला यू रैस्कल लेडी, तुम मूर्ख औरत, तुमने मेरी साधना भंग की, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम एक पिशाचिनी बन जाओगी, भूतनी बन, तुम्हें स्थूल शरीर, तुम्हें इस शरीर से बहुत घमंड है ना तुम्हारा, स्थूल शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें, सूक्ष्म शरीर में घूमोगी। और तुरंत वो विनम्र हो जाती है और गिड़गिड़ा के रोने लगती है, मुनिवर मैंने आपकी 57 साल सेवा की है, 57 साल 9 महीने और 3 दिन सेवा की है, तो थोड़ी तो कृपा दिखाइए। तो जैसे वो मंजू घोषा विनम्र हो जाती है तो मेधावी मुनि के हृदय में भी करुणा भाव जागृत हो जाता है,
ही ऑल्सो फील्स कंपैशनेट। मैंने कर दिया, शाप तो दे दिया। उन्होंने बोला देवी मैंने शाप तो दे दिया, अभी शाप को वी कैन विड्रॉ इट बैक, उसको वापस नहीं ले सकते, वापस लिया नहीं जा सकता। लेकिन देवी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये जो एकादशी है चैत्र मास के चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वो एकादशी बहुत खास है, क्योंकि यह है पाप मोचनी एकादशी। तो इस पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर तुम व्रत करती हो एकादशी का, तो तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे, तुम्हें ढेर सारे पुण्य मिलेगा, ढेर सारे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलेगा, हजारों हजारों गाय दान करने का पुण्य मिलेगा, प्रचंड भगवान के श्री चरणों में भक्ति मिलेगी। आपको क्या करना है, केवल ये पाप मोचनी एकादशी व्रत को निष्ठापूर्वक करना है और तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से तुम मुक्त हो जाओगी और तुम भगवत धाम के लिए डेफिनेटली रवाना हो जाओगी। तो फिर मंजुगोषा देवी बहुत संतुष्ट हो जाती है और वो एकादशी व्रत का संकल्प ले लेती है। तो मेधावी जो होते हैं वो एक सन्यासी होते हैं और वो उनकी अथॉरिटी होते हैं च्यवन मुनि, क्योंकि वो च्यवन मुनि के आश्रम में ही अपने साधना कर रहे होते हैं, राइट। तो च्यवन मुनि के पास जाते, च्यवन मुनि बोलते हैं वत्स कहाँ थे तुम लोग, तुम 57 वर्ष जो है तुमने टाइम पास किया, क्या किया, वापस बनाया, यू डन वेस्ट ऑफ टाइम, तुम्हारी जितनी भी तपस्या अब तक तुमने प्राप्त की थी सब क्षीण हो गई, इट्स ऑल फिनिश्ड। अभी मेधावी रोने लगते हैं, गुरुवर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं फंस गया इस अप्सरा के चक्कर में, अभी आप बताइए मार्ग क्या है, जो आप मार्ग बताएंगे प्रसाद करेंगे मैं वो करने को रेडी हूँ, बताइए आप बताइए। तो च्यवन मुनि मुस्कुरा के बोलते हैं, देखिए च्यवन मुनि त्रिकाल ज्ञानी है, त्रिकाल ज्ञानी है, तो बता दे जो पाप मोचनी एकादशी तुमने उनको सुझाव दिया था आप भी वही करो। पाप मोचनी एकादशी कीजिए, जो भी आपने धन दौलत गवाई है, जो भी अपना तपोबल खोया है, जितना भी पाप किए हैं, जितने भी तप आपकी तपोबल क्षीण हो गई है, वो सब कुछ आपको फिर से मिल जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत कीजिए बस। तो मेधावी भी बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, मानदाता राजा भी इंस्पायर हो जाते हैं, उसी के साथ युधिष्ठिर महाराज और पाकी पांडव भी इंस्पायर हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग भी इंस्पायर हुए होंगे। हम भी इंस्पायर हो गए, ये बात तो सच है। ब्यूटीफुल। तो प्रभु जी ये तो बहुत आपने कम समय में कम शब्दों में काफी डिटेल बता दिया है और इसका ऑब्जेक्टिव इतना क्लियर कर दिया, इसका मेरिट इतना क्लियर कर दिया, इसके लिए इतना अच्छे से मोटिवेट कर दिया कि इसका पालन करना चाहिए। लेकिन अब हमारा दर्शकों का भी सवाल हो सकता है कि कैसे, तो इसका पालन कैसे किया जाए अब, क्योंकि करना तो है ही। अब जो सुन रहा है, मुझे नहीं लगता कोई एक व्यक्ति बचेगा जो ना सुने, क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ तो खोया ही है, तो जो खोया है वो भी आप वापस दे रहे हो और आगे का भी बहुत कुछ मिल जाएगा। मुझे लगता है कि कोई बिल्कुल है ना, कैसे इसको नहीं रखेगा ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन प्रभु जी से रखें कैसे, मतलब कैसे रखना चाहिए, एक आइडियल एकादशी व्रत कैसे होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा ये भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली चीज हमें ध्यान पूर्वक करनी है कि आज शाम को डिनर थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, बिफोर सनसेट, एज अर्ली एज पॉसिबल। अगली बार एकादशी के दिन याद रखिए शाम के समय पोस्ट सनसेट डोंट ट्राई टू ईट एनीथिंग, मतलब संध्या काल से ही जो है हम लोग व्रत प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अगले दिन हम डकार मारेंगे। सिस्टम में अभी भी अन्न होगा, ठीक से नहीं हो पाएगा ना, तो संध्या के पहले ही या संध्या के समय ही थोड़ा फिनिश ऑन डिनर फिनिश कर दीजिए और फिर उसके बाद ऑफकोर्स पानी आप पी सकते हैं। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ऑफकोर्स एक प्रीचर को सब माफ है, डोंट वरी, आई एम जस्ट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट लॉ कि प्रीचर को सब कुछ माफ है। आई विल आल्सो टेक इट, या नो वरीज, यू कैन। तो पानी तो पी सकते हैं जी, लेकिन अगले दिन नॉर्मली व्रत जो है वो चार्ट देख करके अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से, और जो सनराइज का टाइम होता है उस हिसाब से वो टाइमिंग स्टार्ट होता है, तो आप देख लीजिए 6 बजे के आसपास प्लस माइनस, तो उस हिसाब से जो है व्रत प्रारंभ होता है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, एकादशी व्रत 3 प्रकार के होते हैं। यस,
निर्जल, सजल, सफल। ओके, सो अगर जो निर्जल व्रत करना चाहते हैं, दे वांट टू डू, करना चाहते हैं तो वेरी गुड। तो मेरा एक सुझाव है, उठने के बाद पानी मत पीजिए, क्योंकि अगर उठने के, कुछ लोग सोचते हैं नहीं सूर्योदय के बाद हम निर्जल पकड़ेंगे, उससे पहले पानी पी लेंगे, लेकिन जितना हम पानी पिएंगे उतना ही हमें प्यास और लगेगी। हालांकि खाली पेट हमने स्टार्ट किया व्रत, बहुत सुंदर जाता है एकादशी। यस, इट स्टार्ट्स। कम से कम दोपहर तक तो सभी लोग ट्राई कीजिए निर्जल। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड समर का टाइम है, तो अगर सही में प्यास लगती है, वीकनेस लग रही है, तो पानी पी लीजिए। लेकिन अगर जिन लोगों को निर्जल ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है एकादशी, बहुत पावरफुल एकादशी है, इसलिए हरे कृष्णा टीवी द्वारा भी ये एपिसोड खास करके डेडिकेटेडली हमने पाप मोचनी एकादशी के लिए लिया है, राइट? तो ट्राई टू कीप इट निर्जल फ्रॉम द बिगिनिंग, एटलीस्ट 12 बजे तक तो सब ट्राई कीजिए। बिल्कुल नहीं हो रहा है तो पानी पी लीजिए। तो देन अगर शुरुआत में ही आप नहीं लेते, बेस्ट रहेगा। फिर अगले दिन जब पारण का समय होता है, यस, उस समय केवल जल ग्रहण करने से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो इसको द्वादशी व्रत कहते हैं एक्चुअली, क्योंकि द्वादशी के दिन पारण करना होता है। तो जल निर्जल किया है तो जल पी करके व्रत टूट जाता है, तो व्रत समाप्त होता है, टूटता नहीं है, समाप्त होता है, समाप्त हो जाता है, यस, संपूर्ण होता है, संपूर्ण ऑन द्वादशी। तो ये हो गया पहला। दूसरा है सजल, यानी कि शुरुआत से ही आप लोग जल ले सकते हैं, कीप ड्रिंकिंग वाटर, यस, पानी पी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तीसरा है सफल। सफल के केस में हम लोग फल खा सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं, बट एनीवे फल इज समथिंग विच इज इमीडिएट, क्योंकि एकादशी के दिन जितना हो सके कुकिंग, वी शुड नॉट लिट फायर, इसे मिल्क इज नेक्स्ट ऑप्शन। तो कट करके जरा सा फ्रूट्स भगवान को, पत्रम पुष्पम फलम, तो हम तो फलम थोड़ा अर्पण कर लिया, कुछ ईट समथिंग और इट्स डन। ये तो मैं डाइट की बात कर रहा हूँ, करना क्या मैं बताता हूँ पहले, राइट? तो ये तो डाइट होगी, लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी किसी को भूख लग रही है, फिर दूध ले सकते हैं या बगर और ये साबुदाना ले सकते हैं, वी कैन टेक दैट। लेकिन ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा निर्जला से शुरुआत होता है और निर्जल एकादशी से लेकर के निर्लज एकादशी बन जाती है वो। तो निर्लज एकादशी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए, यू शुड बी केयरफुल, ये नहीं हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मध्यान तक, यानी कि नून तक तो आप लोग सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्राई टू कीप इट। तो ये हो गया डाइट का, लेकिन मेन करना क्या है, लेकिन उपवास का अर्थ क्या है वास्तविक रूप में, व्हाट इज उपवास? उप मतलब पास में आना, इसलिए इसको उपनयन संस्कार कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, भगवान के पास आना। तो उपवास मतलब भगवान के निकट निवास करना, उसको उपवास कहते हैं, उपवास। ओके, यस, दैट्स कॉल्ड उपवास। तो उपवास कैसे किया जा सकता है? मेन चीज जो हमें करनी है वो नाम जप करना। यस, कोई व्यक्ति अब तक 16 माला पे नहीं आया, ये बहुत सुंदर टाइम है एकादशी, 16 माला के ऊपर कॉन्फिडेंस, एक बार कर लिया 16 माला, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप रोज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति माला बढ़ाना चाहता है, देयर इज अ ग्रेटेस्ट चांस आप बढ़ा सकते हैं माला, क्योंकि एक एक माला जो करेंगे उसका 1000 गुना हमको जो है फल मिलेगा, राइट? तो अनुरोध है, माला बढ़ाइए, ज्यादा माला कीजिए। हम पर्सनली प्रयास करते हैं 64 माला करने का, वी ट्राई टू चांट 64 राउंड्स, 64 माला करने का प्रयास करते हैं। इट टेक्स अबाउट 7 आवर्स हॉट फॉर मी, 7 घंटे लगते हैं, बट यू ट्राई टू डू। कुछ लोग 108 ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से, अपने यथाशक्ति। और जब सर्विसेज भी होती हैं, अकॉर्डिंग टू योर सर्विस, जॉब, फैमिली, आप लोग जो एक नंबर ऑफ राउंड सेट करके माला कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए भक्तों के साथ जो है, हरिनाम संकीर्तन, खास करके हमारे मंदिरों में हम लोग 24 आवर्स संकीर्तन करते हैं, वी डू 24 आवर्स कीर्तन, यस, सुबह से लेकर के नेक्स्ट डे द्वादशी के सुबह तक जो है 4:30 to 4:30 कीर्तन जारी रहता है। सो दैट्स मॉर्निंग कीर्तन में भाग लीजिए भगवान का, ये भागवत पठन कीजिए, रिसाइट द श्लोकास, प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, और इस तरीके से कृष्ण भावनामृत तरीके में आपको करना है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एकादशी के दिन लीव के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई लीव्स है उनके पास, तो एकादशी के दिन अप्लाई करके अच्छे से साधना भजन करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया।
आप करना है, मंदिर में जा करके भक्तों के सानिध्य में, भक्तों के संग में कीर्तन जप और जो है पठन भागवतम का, वो कीजिए, श्रवण भी कर सकते हैं। तो ये किसी को उपवास करने की बहुत इच्छा है तो उपवास करने का एक्चुअली व्रत रखने का बल जप से आता है। जितना हम जप करेंगे और कृष्ण भावनामृत क्रियाओं में कार्यकलापों में व्यस्त रहेंगे उतना ही शारीरिक चेतना कम हो जाएगी। अगर हम शांत बैठेंगे फिर पेट बोलेगा अरे कुछ तो खा लेते हैं, थोड़ा फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं, है ना, थोड़ा साबुदाना वड़ा खा लेते हैं, वी गेट दैट डिजायर आल्सो, नथिंग रॉन्ग बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जपा। जपा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जपा मत छोड़िए। ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी को दुर्बल लग रहा है शरीर, ऐसा लग रहा है अरे भाई सो जाएंगे अभी, चक्कर आ रही है, बेटर स्लीप ऑफ, नहीं सॉरी बेटर ईट समथिंग, ईट समथिंग, खा लीजिए, हमको शहीद नहीं होना है, yes, शहीद नहीं होना है, बेटर रादर देन स्लीपिंग ऑफ ईट समथिंग, कुछ खा लीजिए और थोड़ा बहुत शरीर में जान आएगी फिर भजन कीजिए, सेवा कीजिए, राइट। सो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना हो सके उतनी भक्ति करें एकादशी के दिन, और प्रजल्पा एंड बाकी सारे जगन्य कार्य नहीं करें एकादशी के दिन। एकादशी इज नॉट मेंट फॉर, अगर किसी की आदत है और छूटने वाली है, मतलब छूट रही है, तो सम पीपल हैव अ टेंडेंसी टू वॉच मूवीज वेब सीरीज, अभी भी आदत है स्क्रोल करने की इंस्टा, उन सब से भी हमको व्रत लेना है, तपस्या उसका भी उपवास करना है, जितने भी है इंस्टाग्राम फेसबुक या फीड्स देखते हैं न्यूज़ देखते हैं इन सब चीज़ों से ब्रेक लेना है हमको। नो प्रजल्प, प्रजल्प करने की बहुत टेंडेंसी है, क्षमता है, वो शक्ति जप में लगाइए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, पूरा टाइम कृष्ण को देना है, दैट्स अ प्रिंसिपल। ब्यूटीफुल, ओके, तो अपनी डाइट को कंट्रोल करना है उस दिन, कम से कम शारीरिक चीजें रखनी है, शारीरिक आवश्यकताओं को कम करना है, और प्रभु जी ने कहा ज्यादा से ज्यादा भगवान के समीप रहना है, यानी कि कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में रहना है, यानी कि ज्यादा जप करना है, ज्यादा सेवा करनी है, ज्यादा रीडिंग करनी है, और प्रभु जी ने कुछ चीजों का निषेध भी कहा है कि कुछ चीजों से उपवास मतलब हटना भी है, जैसे फीड देखना, जैसे रील देखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाई आई एम रिइटरेटिंग, आई एम रिइटरेटिंग सो दैट इसको एकदम एस्टैब्लिश हो जाए, जैसे प्रभु जी ने कहा कि हमें कल सबको, जितने लोग सुन रहे हैं, वी विल फॉलो सनातन धर्म प्रभु एडवाइस, वी विल रिमेन अवे अवे, वी विल एब्सटेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। कैन यू रिइटरेट वंस मोर विद कल से, कल से, ओके, नॉट ओनली कल, कल नहीं, कल से अच्छा रहेगा। पाप मोचने मतलब पाप त्यागने भी होते हैं ना, सिर्फ एक दिन थोड़ी, ओके ठीक है, वी स्टार्ट विद वन डे, अच्छा लगेगा तो खेलिए फिर लाइफ लॉन्ग। वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। तो एकादशी क्या थी ये भी पता लग गया, पाप मोचनी क्या है ये भी पता लग गया, इसे करना क्या है ये भी पता लग गया प्रभु जी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं एकादशी को लेके, क्योंकि सुना है आसपास का वातावरण है, अब कितना ऑथेंटिक है, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाकी सब ठीक है, चावल नहीं खा सकते, बाकी अन्न खा सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, ये इसमें क्या सच्चाई है, मतलब हमारे शास्त्र यहाँ क्या, आप क्या राय देते हैं इसके ऊपर, चावल के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है? Yes, जैसे कि हमने कहा कि चावल अन्न के श्रेणी में आता है जी। अन्न पांच प्रकार के है, आई वॉज रीडिंग द शास्त्र, अन्न पांच प्रकार के है, और ये इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन आता है स्क्रीन, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत ही एक सुंदर, ओके, आई हैव अ वेरी नाइस पीपीटी, यस, तो उसमें दिखाई भी देगा आपको, आपके इसमें प्रेजेंट का एक ऑप्शन आ रहा होगा। आया, मैंने देखा, जस्ट देखा, आई एम जस्ट गेटिंग, मीनवाइल आई विल जस्ट से कि पापराज, जैसे मैं हमने कहा कि पापराज जो है वो बैठा रहता है, I'm just checking the PPT. Correct. I got the PPT. तो ये जो पाप राज आप बता रहे हो, ये चावल में है, ये अन्न में है? बता दो, पांच चीजों में है। What are those five things? I'll just show it to you.
आप देख लेंगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यस देखिए, पहली बात तो आई विल प्रेजेंट दिस डॉक्यूमेंट। किन चीजों से एकादशी का व्रत जो है टूटता नहीं? कैन यू सी? नो, नॉट विजिबल। नॉट येट? यस, नाउ इट इज अबाउट टू। यस, नाउ इट इज विजिबल। यस, अष्टैर अन्यवर अतग्नानि आपो मूलं फलं पयः हविर ब्रह्मण कम्य च गुरोर वचनम औषधमे। देखिए, तो पानी से फ्रूट्स, कंदमूल रूट्स, दूध पयः, घी घृतम, हवीर, हवीर को घी बोलते हैं, ब्राह्मण को सेटिस्फाई करना, गुरु का आज्ञा पालन करना, और दवाई कोई ले रहा है तो उससे एकादशी भंग नहीं होती। तो देखिए, अगर हम लोग एकादशी के दिन ग्रेन्स खाते हैं जी, तो ये ब्रह्म हत्या या गो हत्या के प्रकार का होता है। तो पांच प्रकार की चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। इट्स एज गुड एज किलिंग अ काऊ और ब्राह्मणा, लिखा है ना। तो पांच प्रकार की चीजें, राइस, चावल और चावल से मिली सारी चीजें, यानी कि पोहा, मुरमुरे, इडली, डोसा, कुछ नहीं। दूसरा, मैदा और गेहूं, इनसे भी बनी चीजें, पराठा, लच्छा पराठा, नान, तंदूरी रोटी, कुलचा, कुछ भी नहीं, राइट? जी। बार्ली, बार्ली से बना हुआ चीजें भी हम लोग नहीं खाते हैं जी। फिर दाल, दाल होती है मूंग दाल ना, चिरका मूंग, ये सब, तुर दाल, ये सब भी नहीं खाते हैं। फिर खास करके मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल, तो राई का तड़का भी नहीं देते हम लोग। और सिसमी ऑयल, आई डोंट नो व्हाट सिसमी ऑयल इज कॉल्ड एज। तो हम लोग इस दिन ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं। करेक्ट, यस, एकादशी के दिन ग्राउंडनट ऑयल यूज करना चाहिए। और शुगर भी नहीं यूज करते हैं, यू डोंट यूज शुगर। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्गेनिक शुगर, ब्राउन शुगर, उसको यूज कर सकते हैं। और रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उसी को यूज करते हैं। ओके, आई होप द स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप्ड। या या, इट इज स्टॉप्ड। सो आई जस्ट वांटेड टू क्विकली शो यू ऑल द ब्यूटीफुल। सो ये पांच चीजें जो अन्न में आती हैं, इनको नहीं खाते, और खाया तो ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या का पाप लगेगा। ओ माय गॉड। तो प्रभु जी, कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं, ये तो समझ में आ गया कि चावल नहीं खाने, तो जितने पाप किए हैं वो तो पाप मोचनी एकादशी से चले जाएंगे। तो अगर पाप करते रहें और एकादशी रख लें, फिर ये हम लोग स्मार्ट है और हम लोग भगवान को बेवकूफ समझते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। वी ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। देखिए, हरिनाम के जप में भी सातवां अपराध होता है, वो क्या है? नाम नो बलाद अस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। उसी प्रकार से एकादशी व्रत के नाम पर भी पाप नहीं कर सकते हम लोग, ये अपराध है। जो जाने अनजाने में जो पाप किए हैं हमने, राइट, उस वो क्षमा हो जाएंगे। लेकिन बार बार पाप करके, चलो पाप करेंगे और एकादशी, पाप मोचनी एकादशी के दिन साफ कर देंगे, फिर वापिस पाप करेंगे और फिर अगेन क्लियरेंस डे, ऐसा, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस लाइक अब्यूजिंग द फैसिलिटी। उल्टा प्रभुपाद जी का मैं आज सुंदर लेक्चर सुन रहा था एक, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो एक साधारण व्यक्ति पाप करता है तो उसको दंड मिलता है, लेकिन एक भक्त पाप करता है तो उसको बहुत ही गंभीर दंड मिलता है, ही इज पनिश्ड सीवियरली। और उदाहरण स्वरूप प्रभुपाद बताते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो उसको जेल में डालेंगे, लेकिन अगर एक पुलिस का व्यक्ति एक पुलिस दंडनीय अपराध करेगा तो क्या करेंगे? तो पुलिस को कठोर से कठोर सजा होती है, क्योंकि वो जानता है, जानकर भी पाप कर रहा है। तो उसी तरीके से भक्त जानकर भी पाप कर रहा है तो उसको बहुत बहुत लगता है। वेरी केयर, बहुत हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये इकट्ठा करके पाप खत्म करने वाली एकादशी नहीं, ये वृत्ति भी देने वाली है कि आगे पाप नहीं करने हैं। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा प्रभु जी, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि एकादशी यंग स्त्रियों को नहीं रखनी चाहिए, कुंवारी लड़कियों को नहीं रखनी चाहिए, या बिल्कुल वृद्धावस्था हो रही हो तो भी नहीं रखनी चाहिए। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या शास्त्र क्या कहते हैं इसके विषय में? गुड क्वेश्चन।
अगर यंग स्त्रियों की बात करें तो देवर राधारानी गोपियां देर ऑल यंग गर्ल्स अनमैरिड गर्ल्स, तब तब से रख रही हैं वो लोग देखिए। और बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं ना, 5 वर्ष के 6 वर्ष के आयु के नीचे उनको माफ है, और जो 80 वर्ष के ऊपर बुढ़े लोग हैं उनको भी माफ है। तो ये दो श्रेणी के लोग जो है, बहुत ही जो बूढ़े हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं, दे वेरी स्मॉल, उनके लिए माफ है, ये नियम नहीं है लागू होता। तो 5 साल से शास्त्र, ये 80 साल से ऊपर, मतलब 5 से 80 के बीच में आप एकादशी व्रत से लाभ ले सकते हो। ठीक है। तो प्रभु जी, तो इसका मतलब चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, कोई भी हो, एकादशी पालन बिल्कुल करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इसका भी बहुत सरल शब्दों में उत्तर दे दिया, सटीक, एकदम क्रिस्प। प्रभु जी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसका एक बार उद्यापन करना पड़ता है, मतलब अगर एकादशी रखना शुरू कर दो तो उसको कभी उद्यापन करो या उसको रोका जाना चाहिए, पर आप कह रहे हो 5 से 80 वर्ष तक रखना ही है, तो इस मतलब थोड़ा सा कैसे इसको समझें, उद्यापन करना मतलब उद्यापन, वो कहते हैं कि उद्यापन कर लो यानी कि एकादशी खत्म, अब इसके बाद एकादशी रखने की जरूरत नहीं है, आपने 20 एकादशी रखी, 21 एकादशी रखी, उद्यापन कर लो, अब कोई एकादशी रखने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक व्यक्ति को, देखिए महाजनों इन्हें गता सुबंधा, हमारे महाजन अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज किस प्रकार से हमें दिखाए कि उन्होंने एकादशी व्रत किया, तो प्रभुपाद जी भी उसी तात्पर्य में बताते हैं कि अम्बरीश महाराज एक उच्च कोटि के वैष्णव है जो अपने उदाहरण और उनकी प्रजा के सहित हम सबको ये समझा रहे थे कि प्रत्येक वैष्णव को एकादशी व्रत रखना है। और एकादशी के व्रत में देखिए प्रभुपाद जी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तात्पर्य में भी बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति विष्णु क्षेत्र का प्रसाद भी खाता है, जैसे कि तिरुपति बालाजी का लड्डू या जगन्नाथपुरी का खाजा, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, विष्णु प्रसाद भी खाता है तो भी उसका पतन हो जाएगा, भले वो वैकुंठ लोक में क्यों ना हो, वैकुंठ लोक में क्यों ना हो, उसका पतन हो जाएगा जी। तो इसका मतलब कि इसे कंटिन्यूअस रखना चाहिए, इसको कभी करना 80 वर्ष तक, तो दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो शॉक्ड, ये क्या है, या देयर आर मेनी पीपल हु टॉक्स लाइक ना ना ना, ये जीवन पर्यंत रखना है हमें। देखिए कुछ लोग पांडव निर्जल एकादशी रख देते हैं, चलो निर्जल हम लोग, पांडव भीम ने भी रखी थी इस दिन, बिकॉज भीम रख नहीं पाता था, उसका वो रिकॉर्डर है, हम भी उसी दिन रखेंगे, दिस नॉट अलाउड, हमारे पास क्षमता है, जिसके पास क्षमता है उसको करनी चाहिए, तो हम सबको सारी एकादशी रखनी लाइफ लॉन्ग। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। हम अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो अभी मैं 1-2 सवाल और पूछ के सीधा जनता के या भक्तों के सवालों के ऊपर जाऊंगा, तो जिनका भी जो भी सवाल उनके हृदय में इस वक्त आ रहा है, देयर इज अ बर्निंग क्वेश्चन, कृपया करके चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम अगर आप भाग्यशाली हुए तो जवाब प्रभु जी से लेंगे, और अगर भाग्यशाली नहीं हुए तो भी आप अपना प्रश्न का जवाब पा सकते हो, हमारी कॉल लाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल करके जवाब ले सकते हैं। लेकिन अभी 5 मिनट के बाद एक और प्रश्न, और उसके बाद मैं आप लोगों के प्रश्न लूंगा, अब जो भी सनातन धर्म प्रभु से पूछना चाहते हो ये मौका हाथ से चला ना जाए, टाइप इन द चैट बॉक्स एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू आस्क, एंड प्रभु जी वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर। प्रभु जी, अब एक जैसे कई बार एकादशी के ऊपर ही चर्चा चल रही है, पाप मोचनी एकादशी पे भी चर्चा चल रही है, तो जैसे मैंने कहा भिन्न भिन्न भ्रांतियां हैं, तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी तो तब रखो जब कोई मरण छैया पे हो, मतलब उसको मोक्ष मिल जाएगा एकादशी रखने से, तो कई लोग डरते हैं एकादशी रखते हुए भी कि एकादशी रखेंगे तो कहीं प्राण छूट गए, और नहीं नहीं, एकादशी देखिए इज ऑल ऑस्पिशियस, एकादशी देवी बहुत ही भक्ति जननी बोलते हैं उसको, इट्स वेरी ऑस्पिशियस। उल्टा आपको, आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, पाप मोचनी एकादशी करने पर इसका एक और लाभ याद आया हमें, कि क्योंकि आजकल हमको बहुत सारे फोन आते हैं, मतलब हम तक नहीं पहुंच पाते लेकिन हमारे जो टीम है उनको आते हैं कि प्रभु जी हम लोग ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, भूत प्रेत से परेशान हैं, उन सब से भी मुक्त हो जाएंगे अगर हम पाप मोचनी एकादशी रखेंगे तो। भूत प्रेत पिशाच ब्लैक मैजिक कोई भी दोष है, सबसे हमें मुक्ति मिल जाएगी पूरा एकादशी व्रत रखा तो। Is very powerful, right?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एकादशी कैसी भी, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, भक्ति जननी है, तो उनके लक्षण भी भगवान जैसे लक्षण है, तो कोई भी अमंगलता से ये एसोसिएटेड नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान का नाम है हरि। हरि का अर्थ क्या है? सर्व अमंगल हरे इति हरि, जो सारे अमंगलता को हर लेते हैं उनका नाम है हरि, हरि, राइट? यस। सो एकादशी भी किसी प्रकार से अमंगलमय नहीं हो सकती। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत धन्यवाद, क्रिस्टल क्लियर। अब प्रभु जी, आपने हमें बताया कि एकादशी जो है वो एक दिन पहले शुरू हो जाती है, मतलब रात से आपकी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर होना शुरू हो जाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद से। तो क्या प्रभु जी, जैसे एकादशी हुई तो क्या अगले दिन का भी कुछ कार्य होता है ऐसा जो हमें करना चाहिए अगले दिन सुबह उठ के? एक रात पहले तो समझ में, द्वादशी के दिन उस दिन भी भक्ति करनी है। ऐसे नहीं कि द्वादशी के दिन चलो सब हो गया वाइंड अप, नहीं, द्वादशी के दिन भी साधना बहुत प्रचुर करनी है, क्योंकि एकादशी व्रत पूर्ण करने से पहले भी प्रचंड साधना करनी है, कीर्तन, जप, चैंटिंग। देखिए ट्रेडिशनली जो है शास्त्र में बताया गया कि एकादशी के दिन जागरण करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, निद्रा भी त्यागनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी से जब यमुना माता जी को पता लगा पहली बार कैसे जागरण करते, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद सर, वी हैव लॉट ऑफ सर्विसेस, वी इस्कॉन डिवोटीज नीड नॉट फॉलो दिस, क्योंकि हमें सुबह उठ करके मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, करेक्ट, फिर प्रचार की सेवा होती है, ढेर प्रकार ढेर सारी सेवा होती है, तो वी नीड नॉट डू, प्रभुपाद ने कहा देयर इज नो प्रॉब्लम, वी नीड नॉट डू इट। इसलिए हम लोग जागरण वगैरह नहीं करने की आवश्यकता हमें नहीं है। जी, वेरी नाइस। तो जैसे आपने बताया था प्रभु जी की अगर कोई निर्जल कर रहा है तो वो अगले दिन जल ले ले, हाँ, उसका पारण हो जाता है। तो अगर कोई निर्जल नहीं कर रहा, सफल कर रहा है, वो कैसे पारण करेगा? मतलब वो भी अगर क्लियर कर दे अन्न का करके, हाँ, अन्न कुछ भी, निर्जल जो है वो व्यक्ति जल जल से पारण करता है, और जिसने निर्जल के अलावा कुछ भी और रखा हो तो उसको अन्न से ही पारण करना होता है, ये विधि है। और उसी समय जो समय जो विधि जो समय पारण समय का, कभी कभी पारण समय बहुत शॉर्ट होता है, कभी कभी मैंने देखा सिर्फ 15 मिनट का गैप होता है, करेक्ट, तो कर लेना चाहिए। क्यों? सी देखिए, पारण के समय पर अन्न न लेना पाप नहीं होता, लेकिन हमें एकादशी का जो पुण्य वो मिलेगा नहीं। देखिए एकादशी भंग करेंगे तो पाप लगता है, लेकिन पारण समय पर एकादशी का पारण नहीं करते हम लोग तो हमें एकादशी का फल नहीं मिलता। जब फल ही नहीं मिलता, हाँ नहीं मिलता, इसलिए पारण समय में ही पारण करना है। और पारण करके एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सुन रहा था कि हमारी एकादशी की क्या आध्यात्मिक इच्छा हमें चाहिए, वो हम मांग के पारण करना है। पारण करते समय कोई भी आध्यात्मिक इच्छा जो हमारे मन में है वो मांग करके पारण कर सकते हैं, वो पूरी होगी। वाह, क्या बात है। अगर आपको नाम में रुचि चाहिए वो मिल जाएगी, आपको भागवत में रुचि चाहिए मिल जाएगी, आध्यात्मिक इच्छा ही मांगिए, भौतिक मत मांगिए, फंस जाएंगे आप, बुरी तरह फंसेंगे। इसलिए भौतिक मांगना नहीं है। साधु संग प्राप्त करना चाहते हैं आप तो मिलेगा, गुरु का संग प्राय चाहिए, ये भी सावधानी से कीजिए, ठीक है? ये सब कुछ आप कर सकते हैं। आप कोई आध्यात्मिक संकल्प जो पूरा नहीं हो रहा है उसकी आप कामना कर सकते हैं, वो पूरा हो जाए। ब्यूटीफुल, सो क्लियर हो गया। अब एकादशी से एक दिन पहले और एकादशी के पारण तक, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आई थिंक हमने बहुत से प्रश्न पूछ लिए आपसे, आपने बिल्कुल सरलता से शास्त्रों का उदाहरण दे देकर, कथा का उदाहरण दे देकर एकदम क्लियर कर दिया, एकदम ऑथेंटिसिटी से हमने सुन लिया है। तो जितने भी इधर उधर की बातें सुनी हैं, आई होप सब लोगों की वो इवेपोरेट हो गई होंगी, वेपोराइज हो गई होंगी, वैनिश हो गई होंगी, और एकदम क्रिस्टल क्लियर जो प्रभु जी ने कहा वो छप गया होगा, अंकित हो गया होगा। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे शो की कि आप बार बार सुन सकते हो यूट्यूब पे, कुछ मिस हो गया ऊपर नीचे तो आप दोबारा रिवाइंड कर सकते हो। सो ये हरे कृष्णा टीवी की तरफ से एक बड़ा पावरफुल गिफ्ट है, वी कैन रीप्ले। जैसा सनातन धर्म प्रभु ने पहले भी कहा कि एकादशी पे एक सेपरेट क्लास की जा चुकी है, आप उसको लॉग इन करके दोबारा से उसको प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच सनातन प्रभु, आपने बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया, और कई सारे ऐसे डाउट थे जो डाउट थे नहीं, हमें पता नहीं था हमारे डाउट हैं, लेकिन वो डाउट बने भी और वो आज खत्म भी हो गए। तो इससे पहले कि वो ज्यादा बड़े हों आपने पहले ही उनको समाप्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं दर्शकों के प्रश्न लेना चाहूंगा। तो जिस भी दर्शक का, जो भी भक्त अभी देख रहा है, अगर उसका कोई एकादशी से रिलेटेड, पाप मोचनी एकादशी से रिलेटेड
कोई भी सनातन धर्म प्रभु से कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, आप पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है शुभम नेगी का। प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी भोग लगी सेमिया खा सकते हैं क्या? सेमिया, भोग लगी हुई सेमिया खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, अगले दिन खाइए। देखिए भगवान के लिए कोई एकादशी नहीं है, करेक्ट, लेकिन हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। भले वो क्षेत्र का, हरि क्षेत्र का प्रसाद हो, जैसे मैंने तिरुपति, जगन्नाथपुरी, अनंत पद्मनाभ, पंडरपुर विठल, कई का भी क्षेत्र का भी प्रसाद नहीं खाना चाहिए। नॉट ऑन एकादशी, अगले दिन सेमिया जो है फ्रिज में रखिए, अगले दिन खाइए। नेक्स्ट, करेक्ट, ओके। तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, वो प्रसाद को रख लीजिए, प्रभु जी कह रहे हैं अगले दिन खाओ। वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन प्रभु जी, अभिषेक भगत प्रभु पूछ रहे हैं, एकादशी का महत्व में सुनने मिलता है कि अगर कोई जाने या अनजाने में भी एकादशी व्रत कर लेता है तो उसे वैकुंठ में पदोन्नत किया जाता है। अगर हम भी जीवन भर व्रत करें तो क्या हमारी भी आखिरी मनुष्य जीवन होगा क्या ये? यस, हरि बोल जी, बिल्कुल। देखिए हम लोग क्या करना चाहते, वी हैव टू बी डबल श्योर, ट्रिपल श्योर। देखिए फॉर एग्जांपल, कुछ मैंने अभी एक सारे बच्चों के 12th स्टैंडर्ड बच्चों के बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो लोग जो IITs के एग्जाम लिखते हैं, NITs के एग्जाम लिखते हैं, बिट्स के एग्जाम लिखते हैं, जैसे अन्य बाकी CET कॉलेज होते हैं, सारे एग्जाम लिख लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अभी कोई व्यक्ति बोलता है मेरा IIT में श्योर शॉट हो जाएगा, फिर भी वो बाकी सारी एग्जाम भी लिखता है। बिल्कुल, क्यों लिखता है? यू वांट टू बी वेरी श्योर। सो यस, नाम जब से चले जाएंगे, विग्रहों के सेवा से भी चले जाएंगे, एकादशी तो हमको सब सारे ऑप्शन टिक करने सारे ऑप्शन टिक करने नाम जब भी करेंगे, ऐसे नहीं कि चलो एकादशी कर रहे तो सिर्फ एकादशी करेंगे, नहीं, एकादशी का व्रत गलती से भंग हो गया तो किसी कारणवश, तो नाम जब बचा लेगा, बराबर, नाम जब ठीक से नहीं हो रहा तो भागवतम बचा लेगा, भागवतम ठीक से नहीं कर रहे तो अर्चविग्रह बचा लेंगे, कैसे भी करके हम भगवान हमें बचा लेंगे। इसलिए हमें जो है भक्ति के जितने भी अंग हो सके सारे अंगों को करना है, खास करके नाम जब, हरे नाम है केवलम, तो नाम जब कभी नहीं छोड़ना। तो एकादशी का व्रत मतलब एकादशी उपवास मतलब भगवान के पास भी रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति, एक बार मेरा एक स्टूडेंट था, अभी नया नया आया था भक्ति में, तो बोला कि मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखा था। मैंने बोला कितने बजे तक रखा? बोला 12 बजे तक रखा प्रभु। 12 बजे तक व्रत रखा निर्जल? हाँ, एक पानी की बूंद भी नहीं पी। बोला क्या किया? बोला कुछ नहीं प्रभु जी, मैं जो है सिनेमा प्लेक्स गया था और वहाँ पे 5-6 मूवी लगातार देख ली मैंने पूरे दिन। बोला इसमें क्या बड़ी बात है? बोला नहीं नहीं, सामने वाला बर्गर खा रहा था, कुछ लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे, मेरे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैं मूवी पे ही फोकस था पूरा। कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है ना इसमें, इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। ऐसे तो जो भूखे लोग होते हैं वो लोग भी व्रत कर लेते हैं। व्रत किसके लिए कर रहे थे? अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एक्टिविटी के साथ वो अवेयरनेस आती है कि हम क्यों कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस आती है, वो चेतना आती है कि हम ये व्रत कृष्ण के लिए करें, क्योंकि व्रत रखते तो कष्ट होता है। और आप देखेंगे एकादशी के दिन हमें अपने नॉन एकादशी सारे फेवरेट आइटम्स याद आएंगे, सारे याद आ रहे, वाह वाह वाह, क्या गुलाब जामुन खाया था, माय गॉड, मेरा फेवरेट समोसे, नहीं नहीं आज एकादशी है, बाद में देख सकते हैं। तो सारी फेवरेट चीजें सब याद आएंगी एकादशी के दिन। तो तपस्या है, मन को भी तपस्या है, शरीर को भी कष्ट होगा। यस, कष्ट बहुत होगा, क्योंकि कलयुग में अन्न में ही प्राण होता है, तो प्राण जो है अन्न से मिलता है। तो इसलिए अगर देखेंगे द्वादशी का मंगल आरती इज वेरी डल, संसार दावा नलली बत, कोई नाच भी नहीं रहा, सब लोग डल लगे क्योंकि एकादशी थी ना पहले, पूरा डल लगता है, तो शरीर एक तरीके से थक जाता है पूरा, राइट। तो क्यों हम लोग शरीर को इतना थका रहे हैं, इतना व्रत कर रहे हैं? कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। यस, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, उपदेशामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, प्राप्त करने के लिए सारे व्रत कर, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। तो ये याद आके हम लोग कृष्ण भावनामृत बनेंगे, सो दैट
वो ये कैसे याद आएगा हमें, जब हम जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो भक्त लोग याद दिलाएंगे हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, राइट? ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर। तो हमें एकादशी नहीं, सारे कॉलम टिक करने, प्रभु जी ने कहा अगर एक थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो दूसरा हमारी सहायता कर जाएगा, आपका वैकुंठ रूपी कॉलेज में एडमिशन पक्का। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, शुभम नेगी प्रभु का ही प्रश्न है, पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, एकादशी के एक दिन पहले शाम को भोजन कर सकते हैं क्या? मैंने टाइम बोला ना, संध्या के पहले, ट्राई टू ईट बिफोर 6:37, बिफोर, नो लेट नाइट डिनर, आखिरी प्रहर मत खाइए उसमें, आइडियली 6 के पहले, बट ऑफकोर्स समर भी चल रहा है तो समर के चलते डे साइज इंक्रीजेस, डे का टाइम भी इंक्रीज होता है, उस हिसाब से सूर्यास्त के पहले आप खा लीजिए। सूर्यास्त के पहले खाना बेस्ट है। तो शुभम नेगी प्रभु, आपके माध्यम से बहुत से लोगों को ये फिर से रिटरेट हो गया कि प्रभु जी बल्ब नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट, वो अभी भी वही है। सो समटाइम वी ट्राई टू यू नो कि नहीं प्रभु जी बोल दें रात को 10 बजे तक खा सकते हैं, 9 बजे तक खा सकते हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली फिक्स्ड, नहीं खा सकते, सूर्यास्त नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, यस नहीं खाना चाहिए। Wonderful. Next question. अभी कोई भूखा मर गया, अरे प्रभु जी ने बोला मत खाओ, we don't want to do that. It's not a torture. Self-torture नहीं, I'm telling what's the standard. Correct. Beautiful. Yes. So next question, Gaurika Dhupar, माता जी पूछ रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, I am in Dubai and there is iftar party in school tomorrow. I forgot about Ekadashi, so I gave my name for veg food. Should I go for it or not? Go, veg food, done, donate, you are going to become favorite, everybody's, sab daan kar diya, jo bhi veg food tha, sab unhone daan kar diya apne friends mein, amazing, very nice, theek hai, so, you can go, no problem, and kuch log puchenge, kya kar rahe hai, to ekadashi boli, of course, I don't know if preaching is allowed there, at least, word of mouth se to kar sakte hai aap log. तो माता जी प्रभु जी कह रहे हैं दान कर दीजिए वो वेज फूड जो आपने ऑर्डर किया है, बट कीप एकादशी, या फिर आप रुक के नाम जप करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, दैट इज बेस्ट, आपको रुक के नाम जप करना और कृष्ण भावनामृत बनना है, परफेक्ट, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर देन, लेकिन अटेंडेंस है, कंपलसरी है, देन बेटर टू गो, बट डोंट ईट। आई होप गौरिका माता जी यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये प्रश्न है पियानो बॉय इंडिया, तो प्रभु जी आपसे पूछ रहे हैं, एकादशी के एक दिन पहले खाना खाते रात के 12 बज जाते हैं, क्या एकादशी रात के 12 बजे शुरू हो जाती है या ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है, मतलब कभी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है, लेकिन आप बहुत रिस्क ले रहे, नॉट गुड, उस दिन तो कम से कम एकादशी के एक दिन पहले, नवमी के दिन तो कम से कम जल्दी खाइए, प्रयास कीजिए ना कि 12 बजे, मतलब दिन तो शुरू हो गया, व्रत का समय भले 6 हो सकता है लेकिन दिन तो शुरू हो गया ना, उसके डकार आएंगे अगले दिन आपको, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, हाँ कि नहीं, तो आपके सिस्टम में अभी भी वो खाना है कि नहीं, तो आप पूरी तरह क्या शुद्ध व्रत रख रहे हैं, सोचिए। और रात को तो सूर्यास्त के बाद जठर अग्नि पूरी चली जाती है, देखिए हमारा डाइजेशन जो होता है, पाचन की शक्ति, वो सूर्य के जो है जितना प्रभाव है सूर्य का उस पर निर्भर होती है, तो जो दोपहर का समय है 12 बजे के बाद, तो उस तरह सूर्य बहुत ही प्रचंड वेग होता है उसका, उसमें डाइजेशन बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे सूर्यास्त के बाद तो सूर्य नहीं है, तो डाइजेशन जठर अग्नि है ही नहीं, फिर तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, तो कब होगा डाइजेस्ट फिर बताइए, सूर्य उदय होने के बाद, हरे कृष्णा, तो आपको उत्तर मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, तो रिस्क ले रहे हैं, प्रभु जी ने बोला आपको कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं प्रभु जी, डोंट अटेम्प्ट इट, ट्राई नॉट टू अटेम्प्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न है कुसुम कुमार जी पूछ रही हैं,
लाइफ सेविंग मेडिसिन के साथ कैसे एकादशी का पालन करना चाहिए प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, ये एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो दवाइयां खा रहे हैं तो क्या हम निर्जल रख सकते हैं, या कैसे, मतलब उसमें क्या रखें, व्हाट शुड बी द स्टैंड। स्लाइड में मैंने पहले ही बोला था कि दवाई खा सकते, दवाई से एकादशी व्रत कभी टूटता नहीं है। तो दवाई ले सकते हैं कुमार, कुसुम कुमार प्रभु जी या माता जी, जो भी आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत क्लियर हो गया, और जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी ध्यान से समझ लें, दवाइयों से प्रभु जी कह रहे हैं व्रत नहीं टूटता, दवाई ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्ञानेश्वर पतिल, आई एम सॉरी इफ आई मिसप्रोनाउंस, ज्ञानेश्वर पाटिल, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर महाराज थे ना, तो ज्ञानेश्वर पाटिल। ओके, सो हरे कृष्णा, अगर हमारे पास लाइफ या इस लाइफ में पाप ही नहीं किया हो और हमने एकादशी रखी तो क्या होगा? लो प्रभु जी, ये तो एकदम कमाल, पाप ही नहीं किया प्रभु जी, क्वेश्चन कमाल का है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बताते ही हैं भगवद गीता में कि हर कोई व्यक्ति, दुनिया ऐसी बनी है कि प्रत्येक व्यक्ति पाप करता ही है। हम ताली मारते हैं पाप करते हैं, बात करते हैं पाप करते हैं, खाना खाते हैं पाप करते हैं, अग्नि जलाते हैं पाप करते हैं, एंड एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ, वॉक ऑफ आवर लाइफ, चलते चलते पाप करते हैं हम लोग, कोई ना कोई प्राणी को मार रहे हैं ना, तो हम निष्पाप तो हो ही नहीं सकते। Correct. हम इस भौतिक जगत में हैं, यस वी आर स्टिल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसका यही एक भौतिक शरीर ही लक्षण है कि हम पापी है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी, दिस इज एन इनवैलिड क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ऐसे, क्योंकि हम इस दुखालय में हैं, इस संसार में हैं, दैट क्लियरली सिग्निफाइज, इंप्लाइज कि हम पापी। लेकिन लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो तो पाप से मुक्त है, तो वो लोग एकादशी व्रत करते तो क्या होता है, उनकी भक्ति और बढ़ती है। देखिए हमारे भौतिक जगत में 100% इज मैक्सिमम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद है, मुझे पता नहीं आप थे नहीं, हम तो हम लोग एटलीस्ट स्कूल में कॉलेजों में जब पेपर चेक करके नंबर आते थे तो आप नंबर बढ़ाने जाते थे? बिल्कुल, कौन नहीं जाता था, हम भी सब लोग जाते थे नंबर बढ़ाने के लिए, कि वही एक आधा आधा नंबर बढ़ जाए ऐसे करके टीचर के पास जाते थे। लेकिन आप सोचिए, एक बंदा, एक लड़का या लड़की आराम से बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, दूसरों को नंबर बढ़ाते हुए देख रहे, इसका क्या मतलब है? फुल, वेरी गुड, फुल मार्क। भौतिक जगत में अगर आपको फुल मार्क मिलता है तो कोई बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाने जाएगा नहीं, कोई एकदम शांत रूप से उल्टा दूसरों का पेपर लेगा। मैं बताता हूँ कहाँ बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से होता है। लेकिन भक्ति के जीवन में ऐसा नहीं, इट स्टार्ट्स विद 100, देयर इज मच मोर। तो भक्ति में आनंद नाम बुद्धि वर्धन, वी कैन कीप गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, बढ़ती भक्ति बढ़ती रह सकती है, बढ़ती रह सकती है, बढ़ती रह सकती है, देयर इज नो लिमिट, वो एंड नहीं है कभी कहां पे। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर हो गया हमें ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अर्पण दास पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हेन वी डू नो अबाउट द सिनफुल एक्टिविटीज बट ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेंसेस और अननोइंगली वी कमिट सिंस, विल दोस सिंस बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस एकादशी? यस, बिकॉज शास्त्र में क्लियरली बोला गया सारे प्रकार के पाप नाश होते हैं, डेफिनेटली, और भक्ति से भी होते हैं। अगर कोई गंभीरता से भक्ति करता है, अप्रारब्ध फलम पापम, वेरी क्लियर, बीजम कूटम अविक्लवम क्रमेणैव प्रलीयेत कृष्ण विष्णु भक्ति रतात्मनाम, भक्ति साम्र सिंधु भी यही बोलता है, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, सो हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। लेकिन हमें जो है सातवां नाम अपराध नहीं करना, यानी कि पाप धोएंगे फिर से पाप करके आएंगे, नो वी डोंट डू दैट, यस वो चीज नहीं करते। तो जब तक हम लोग जो है एशाम तू अंतगतम पापम, यू टू बिकम अंतगतम पापम, यानी कि अभी इसके बाद पाप नहीं करना है, दैट यू टू टेक केयर। ओके, वेरी नाइस, तो सब प्रकार के पाप विनष्ट हो सकते हैं प्रभु जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण प्रभु, आई होप आपको अपना जवाब एकदम मिल गया हो। हम अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
चीनू चौधरी। तो चीनू चौधरी जी पूछ रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने से हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, मार्गदर्शन करिए प्रभु जी। एक ऐसा कर्म है जो करने से पक्का पुण्य नष्ट होते हैं, वो है ब्रह्म मुहूर्त में सोना। यस, आई एम नॉट टेलिंग दिस। ब्रह्म मुहूर्ते पुण्य क्षीणेन कारणम, तो सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, व्यक्ति के सारे पुण्य, व्यक्ति का धन दौलत संपत्ति आरोग्य स्वास्थ्य सब नष्ट हो जाता है, कीर्ति यश सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। जो ब्रह्म मुहूर्त के समय पे निद्रा त्यागता नहीं है तब, राइट यही ऐसा कार्य, बहुत सारे कार्य होंगे लेकिन मेनली ये है। और उसका उल्टा भी इफेक्ट है, ब्रह्म मुहूर्त के समय जो जागरण करता है, उठता है, नहाता है, बस इतना भी कर लिया तो वो कमल की तरह निखरता है, उसकी शरीर की कांति तेज बढ़ जाती है, वर्ण सुंदर हो जाता है, उसकी लक्ष्मी धन संपत्ति ज्ञान पुण्य सब बढ़ता है। तो सोचिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो भगवान की भक्ति करता है उसका क्या होगा, राइट। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय पर संध्या पे, जो संध्या काल होता है उसमें सोते हैं ना, सपोज यू स्लीपर ऑन 12 o'clock, आप जो है 12 बजे पे सोते हैं या फिर 6 बजे तक सोते हुए रहते हैं या फिर शाम को 6 बजे के आसपास सो जाते हैं, फिर से 5:30 to 6:30, 7 उसके आसपास पूरा नष्ट हो जाता है। खास करके ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है उसका पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है, कुछ भी रहता नहीं है। इसलिए भौतिकवादी लोग भी जानते हैं इसको, इसलिए 5 AM क्लब शुरू किया सबने। उठ के सब मिल जाता है, स्वास्थ्य धन संपत्ति लक्ष्मी सब जानते हैं, इसलिए वो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, बस शास्त्र को क्रेडिट देते नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो चीनू माता जी और चीनू प्रभु जी, जो भी आपने प्रश्न पूछा बहुत ही जबरदस्त था। प्रभु जी ने तो एक ऐसी बात कह दी कि सब लोग अब कल से मुझे लगता है ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे ही उठेंगे, ये सुनने के बाद भी कैसे सोएंगे, हाउ वुड यू स्लीप व्हेन यू हियर दिस। सो थैंक यू सो मच, आपने जगत कल्याण का वेकअप कॉल, दिस वाज एन आई ओपनर, या इट वाज एन आई ओपनर। सो इन्होंने जगत कल्याण का प्रश्न पूछा, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी आपके लिए, मेटलिस, डज एकादशी हैव टू बी फॉलोड नॉन स्टॉप और कैन वी टेक ब्रेक, यानी कि एकादशी क्या नॉन स्टॉप फॉलो करनी है, बीच में 2-4 छोड़ दें, 3-4 छोड़ दें? नहीं, नो ब्रेक फ्रॉम टू दिस टाइम ऑनवर्ड्स, बिल्कुल नहीं। अब आपको ज्ञान मिल गया है, गलती कर दी आपने, आज के बाद सारी एकादशी पालन करनी है आपको, दैट्स इट, डन। ये भक्ति बढ़ेगी आपकी, आप कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे, राधा रानी खुद करती है, सोचो राधा रानी भक्ति एकादशी करती है, कृष्ण की प्रिया है वो, तो हम लोग भी एकादशी करेंगे तो हम लोग भी कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे, कितना उत्तम अवसर है ये। Very nice. Let's not lose this. Non-stop, that means non-stop. Very nice. तो प्रभु जी बिल्कुल नहीं छोड़नी है एकादशी, बिल्कुल नॉन स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश कुमार प्रभु जी का। राकेश कुमार प्रभु जी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, पर एकादशी के दिन उन्हें भोग क्यों नहीं लगाया जाता, मतलब उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है, शायद ये पूछ रहे होंगे कि महाप्रभु तो भक्त हैं तो अल्टर में वो भी होते हैं तो उनको भोग लगा देते हैं। लगा देते हैं, उसको क्या है, कोई गलत बात नहीं है, प्लीज क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट, नहीं होता, लगाते हैं, भगवान भगवान है, भगवान को भोग लग सकता है, जगन्नाथ खाते हैं उनको एक्चुअली हम लोग नॉन एकादशी का भी भोग लगा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं, इज नथिंग रॉन्ग, भगवान कुछ भी खा सकते हैं और आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन भगवान का खाया हुआ आप अगले दिन खाइए या फिर किसी और को खिला दीजिए, अगर कोई और ऐसा मिल नहीं रहा तो गाय को खिला सकते हैं, गो माता को खिला सकते हैं प्रसाद, लेकिन खुद नहीं खाना चाहिए। वेरी नाइस, ठीक है। तो राकेश प्रभु आपको आई होप आंसर मिल गया हो कि भगवान को आप नॉन एकादशी भी खिला सकते हैं लेकिन खुद मत खाइए, अगले दिन खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रभु जी के सी पूछ रहे हैं आपसे कि प्रभु जी हरे कृष्णा, बच्चों के लिए क्या नियम है और क्या उन्हें भी बड़ों के समान ही व्रत धारण करना चाहिए? कई बार बच्चे रेगुलर एकादशी नहीं रख पाए तो। जैसे कि हमने कहा 5-6 बरस की आयु जब तक समझ नहीं है इट्स फाइन। जैसे बच्चे समझदार होने लगते हैं, खुद अपने हाथ से खाने वगैरह लगते हैं, उनको पता लगता है मुझे दो रोटी चाहिए, मुझे इतनी सब्जी चाहिए, इतना दाल चाहिए, उनमें सूझबूझ आ जाती है ना, तब उसके बाद उनको एकादशी करना चाहिए। उससे पहले जब अनजान है, अज्ञानी है, बहुत छोटे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई गलत बात नहीं। ओके, तो जैसा प्रभु जी ने पहले भी कहा था कि 5-6 साल, और अभी भी प्रभु जी वही कह रहे हैं कि उसके बाद समझ आ गई तो एकादशी जरूर रखिए, जरूर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है डूंगा राम कुमावत जी का। प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जितने भी अनर्थ हैं वो भी पापों की श्रेणी में आते हैं? यदि पापों की श्रेणी में आते हैं तो मेरे तो ये अनर्थ खत्म ही नहीं हो रहे, मेरे अनर्थ नहीं खत्म हो रहे प्रभु जी। ओके, देखिए अर्जुन जब पूछता है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से, अतकेन प्रयुक्त हम पाप चरति पुरुष अनिच्छन भी वार्षण बलादिवन योजित, मैं इच्छा नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी अनजाने अनजाने में बहुत पाप हो जाते हैं मेरे से, क्यों? तो भगवान उत्तर क्या देते हैं, काम की वजह से। काम ये क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशुरो महापात्मा विद्येनम हि वैरिणम। तो काम से ही सारे अनर्थ शुरू होते हैं। जब काम तृप्त हो जाता है तो लोभ बन जाता है, लोभ बढ़ता है, व्यक्ति गर्व करता है, यस, गर्वान्वित हो जाता है, और गर्व करने के बाद उसको दूसरों के प्रति ईर्ष्या भी होती है। वही काम तृप्त नहीं होता तो क्या बन जाता है, वो क्रोध बन जाता है, और क्रोध आगे चल के मोह बन जाता है। तो 6 अनर्थ कहाँ से निर्माण होते हैं, काम से ही निर्माण, बराबर। तो काम एक ही चीज है जहां से बाकी सब पैकेज, बाय 1 get 5 फ्री, दैट इज अ पैकेज, बराबर। एक बाई करते हैं तो बाकी 5 फ्री मिलते हैं, अनर्थ सारा एक पैकेज के रूप में आते हैं। तो आपका प्रश्न अभी मैंने अनर्थ क्या क्लियर कर दिया, जितने भी अनर्थ है वो भी पाप की श्रेणी में आते हैं। यस, अनर्थों के कारण ही पाप होता है, काम की वजह से व्यक्ति पाप करता है, तो अनर्थ की वजह से व्यक्ति पाप करता है ना। तो भक्ति क्या करता है, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। यस, पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक, अनर्थ उपशमम, सारे अनर्थों का नाश क्या करता है, भक्ति, भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण का नाम है अधोक्षज, यानी कि अपने जो साधारण चर्म चक्षु या इंद्रिय, जो भौतिक इंद्रिय उसके परे जो होते हैं उसको अधोक्षज कहते हैं। तो ऐसे अधोक्षज भगवान की हम लोग जो है भक्ति करेंगे तो सारे अनर्थ निकल जाएंगे। तो आप भगवान को क्यों नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन पढ़िए, अमार जीवन सदा पापेरत नाहीक पुण्येर लेश, ये पाप पढ़ करके जप कीजिए, ये पाप, ये जो पाप के बारे में ये जो कविता है भक्ति विनोद ठाकुर ने रची है वैष्णव गीत, इसको पढ़ करके जप कीजिए, अच्छा ही चेतना के साथ जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अनर्थ आप कृपा करके हृदय साफ कर दीजिए हमारा, इट्स नो प्रॉब्लम विद सच प्रेयर, अनर्थ निवृत्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान जरूर निवारण करेंगे। वेरी नाइस, तो प्रभु जी मुझे उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा, प्रार्थना बहुत खूबसूरत बात कही प्रभु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देव दर्शन ट्रिप पूछ रहे हैं प्रभु जी आपसे कि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, अगर किसी मनुष्य की मृत्यु उसके गलत आचरण के कारण होती है तो उसकी आत्मा को क्या गति मिलेगी? दुर्गति होती है, नो डाउट, दुर्गति, बिल्कुल। तो उसको गलत आचरण के कारण उसकी मृत्यु हुई, जैसे का एग्जांपल एक दे सकते हैं, व्यक्ति स्मोकिंग करता रहा, उसका लंग पंक्चर हो गया, मर गया। व्यक्ति जो तंबाकू का सेवन करते करते मर गया, ये भी एक है। तो इस प्रकार से अपने ही गलत आचरण के साथ, या फिर कोई नशा कर करके मर गया, लीवर सिरोसिस, उसका लीवर बहुत वीक हो गया और वो मर गया अपने आचरण के कारण, ये सब पाप है, ऑल अब्यूजिंग द बॉडी। देखो शरीर जो है ये क्यों दिया गया है, जिस प्रकार से एक कंपनी अपने किसी कर्मचारी को एक कार देती है, क्यों? ताकि आप बहुत ही सारे सुविधाओं के साथ घर से कंपनी समय पे आ सके,
यू कैन ट्रैवल विद गुड फैसिलिटी, बिना किसी रोक टोक के या फिर बस में डिपेंड होके आप अपने आप से आ सकते हैं, दैट्स अ पर्पस। लेकिन वही गाड़ी लेकर के व्यक्ति जो है गाड़ी लेकर के उसको बैट से उसका कांच फोड़ देता है, उसका टायर पंक्चर कर देता है, सारे सीट का जो सीट के कवर खा जाता है निकाल देता है, सीट का फोम के अंदर जो स्पंज रहता है उसको निकाल देता है, तो फिर कंपनी क्या करेगी इसके साथ? ले लेगी गाड़ी, कार तो वापस लेगी, प्लस ओवर टाइम करके जितना भी पैसा गवा है ना वो वापस एक एक करके उसको पाई पाई चुकाना पड़ेगा। उसी तरीके से जो व्यक्ति मनुष्य देह मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, एक ऐसा मनुष्य देह मिला है जिससे कि भव संसार के सिंधु को पार करने की इसके पास एक सुविधा है, उसका लाभ नहीं उठाता व्यक्ति और मनुष्य शरीर को अब्यूज करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। इट्स अब्यूजिंग द बॉडी, नॉट गुड, राइट? वेरी ग्रेव, वेरी सॉलिड, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रश्मि रावत जी का, प्रभु जी एकादशी के अलावा यदि हमने कोई और भी व्रत रखा हो और उसका उद्यापन नहीं किया हो तो इसका उद्यापन कर सकते हैं? देयर इज नो प्रॉब्लम, आप बस अपने लाइफ में आप जितने भी और व्रत कर रहे हैं आप कीजिए, मैं वो गलत नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत प्रारंभ कीजिए और एकादशी को प्रमुख देखिए, एकादशी को हमेशा प्रमुखता देनी चाहिए, हमें क्योंकि हम वैष्णव है, एकादशी को प्रमुखता दीजिए और व्रत कीजिए। वेरी नाइस, तो एकादशी को प्रायोरिटी दीजिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी शर्मा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं एक जगह सुना था कि जगन्नाथपुरी में चावल का पाप नहीं लगता एकादशी में। वो जगन्नाथपुरी के धामवासी जाने, लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे, वी शुड नॉट टेक, दैट्स अ वैष्णव स्टैंडर्ड, क्योंकि हम चैतन्य चरितामृत में पढ़िए इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, कोई धाम का भी विष्णु क्षेत्र का महाप्रसाद भी खाता है वैकुंठ स्तर से गिरता है। आप चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य पढ़ सकते हैं, आई थिंक इट कम्स इन 14 चैप्टर आदि लीला, बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे। तो खुशी शर्मा जी, आपको आपका जवाब मिल गया कि हम व्रत करेंगे, दैट्स इट। सो लास्ट क्वेश्चन, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर। जीनत लकी पूछ रहे हैं, हम आयरलैंड में रहते हैं, वहां अभी शाम के 5 बजे हैं, तो हमारे लिए कब शुरू है एकादशी? आपके क्षेत्र के हिसाब से तो एकादशी का कैलेंडर जो है आता है, आप अपना ऐप भी आता है बहुत सुंदर वैष्णव कैलेंडर का, तो आप अपना जगह का सिटी का नेम टाइप कीजिए, उस हिसाब से आपको जो है पता लग जाएगा कि आपको एकादशी कब शुरू करनी है। ओके, तो वो कैलेंडर वैष्णव कैलेंडर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टाइप योर सिटीज नेम। अगर इंडिया में भी देखा जाए तो कलकत्ता का जोन अलग है, इट्स डिफरेंट, कलकत्ता का टाइम जोन अलग है, दिल्ली का अलग है, मुंबई का अलग है, तो वी फॉलो जिस शहर के हम लोग पास आसपास है उस हिसाब से टाइम जोन के हिसाब से हम फॉलो करते हैं उसको। ठीक है, तो फॉलो योर टाइम। ब्यूटीफुल, तो जीनत जी आपको तो पता लगा, लेकिन साथ में मुझे लगता है बाकी भी जो जो बैठ के ये सुन रहा है किसी भी देश से किसी भी विदेश से, प्रभु जी कह रहे हैं अपने अपने जोन का टाइम देखिए और अपने अपने जोन के टाइम के हिसाब से एकादशी व्रत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सो थैंक यू सो मच सनातन धर्म प्रभु, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और इतनी पेशेंस के साथ, इतनी एनर्जी के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ आप एकदम बोलते हैं कि एकदम सामने वाला कन्विंस हुए बिना रह ही नहीं सकता। सो अमेजिंग वे यू हैव डेल्ट विद ऑल द क्वेश्चंस, वी आर सो थैंकफुल टू यू। और साथ में हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने रोचक, इतने दिलचस्प और इतने रियल लाइफ प्रश्न आप लोग पूछते हैं जो एकदम से बहुत लोगों को उसका भला होगा जो सुनेगा। तो जग कल्याण के जो प्रश्न आपने पूछे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम दोबारा प्रभु जी से आग्रह करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही एक प्रश्न लेके आएंगे, थोड़ा तीखा, थोड़ा सीधा, थोड़ा तेज, और पूछेंगे अपने प्रभु जी से
हाउ टू डील विद इट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी अगले शो में, ऐसा एक रोचक प्रश्न लेके आएंगे, मुलाकात करेंगे, प्रभु जी से फिर पूछेंगे प्रश्न। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए। हरी हरी।